हाय गाइज, नमस्कार दोस्तों। अपन ऐसे क्वेश्चन है 20 या 22 क्वेश्चन जो अपन रीट के हिसाब से बहुत अच्छे क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। धैर्य पूर्वक आप देखें क्योंकि एग्ज़ाम के लिए आपके लिए कारगर साबित होंगे, और पूरी वीडियो अच्छे से वॉच करें, स्किप ना करें दोस्तों। बहुत लाभदायक क्वेश्चन है। पौधों में श्वसन होता है, तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है कि पौधों में श्वसन होता है दिन और रात के दौरान। ठीक है, यानी कि पौधों में जो श्वसन है, रेस्पायरी सिस्टम, मनुष्य में भी होता है फेफड़ों के माध्यम से, इसी प्रकार पत्तियों के माध्यम से दिन और रात के दौरान पौधों में श्वसन होता है। मेंढक किसके माध्यम से पानी के नीचे सांस ले, अब जो गलफड़ी त्वचा होती है, गलफड़ी नहीं त्वचा जो मेंढक की होती है, उसके माध्यम से पानी के नीचे सांस लेता है। ठीक है, जो पानी के नीचे लेता है ना, वो त्वचा से लेता है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ें बढ़ती है, तो पेट, आपको याद है पेट ही बढ़ता है, यानी कि चार ऑप्शन थे उसमें से एक ऑप्शन निकाला, वहाँ पर मेज कुर्सी वगैरह थी है ना, उसको काट के। आगे बढ़ते हैं कि पूर्ण स्तंभ परजीवी है, अब आप जानते हो पूर्ण स्तंभ परजीवी, यानी कि इसके पास स्तंभ ही नहीं है, मतलब है यानी कि दूसरे के स्तंभ पर ये चढ़ जाती है, लपड़ जाती है। जो गांव में चारा होता है रिज का, उसके अंतर्गत बहुत आती है, तो इसको क्या बोलते हैं, अमर बेल, कसकुटा है ना, तो परजीवी दोस्तों है, क्या है, परजीवी। आगे बढ़ते हैं कि सूक्ष्म जीवों को चार मुख्य वर्गों में बांटा गया है, तो जीवाणु है ना, बैक्टीरिया, ठीक है, कवक, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी, शैवाल, तो इनको मुख्य वर्गों में बांटा गया, किसको, सूक्ष्म जीवों को। आलू का वर्ट रोग का कारण है, वर्ट रोग जो होता है आलू में, पाइथियम डिवेरिनियम के कारण होता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है रेट के लिए। जीवाणु है हेजा का कारक, हेजा का कारक कौन है, जीवाणु। राइजोबियम है नाइट्रोजन का कारक। आगे बढ़ते हैं कि लैक्टोबैसिलस से दही का जमना, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है पैरामेशियम, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, पोलियो होता है विषाणु से, वायरस से है ना, तपेदिक होता है जीवाणु से, दाद होता है कवक से। ठीक है, ध्यान होना चाहिए प्यारे मित्रों। आगे बढ़ते हैं कि एंटीबायोटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इस्तेमाल किसने किया, सेलमन वाक्समैन ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक कितना, एंटीबायोटिक है ना प्रतिजैविक, शब्द का सर्वप्रथम सेलमन वाक्समैन। ध्यान होना चाहिए कि जीवाणु मानव जाति के लिए लाभदायक है, जो जीवाणु या बैक्टीरिया मानव जाति के लिए कौन है, पेनिसिलियम। ये रीट बाद में भी काम आएगा, मेन पेपर जब होगा, दूसरा पेपर है ना, उसमें भी एक क्वेश्चन बहुत काम आएंगे दोस्तों। जीवाणु को सर्वप्रथम देखा एंटोनी ऑन ल्यूनोक। आप मेहनत को कर ही रहे हो, पर अच्छे से मेहनत करो, ध्यान से दे है ना, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जीवाणु को सर्वप्रथम देखा किसने, एंटोनी ऑन ल्यून होक ने। आगे बढ़ते हैं कि प्रतिजैविक के उपचार में प्रभावी है क्या है, हैजा, यानी कि जिससे उपचार किया जाता है प्रतिजैविक एंटीबायोटिक, उससे क्या होता है, हैजा का उपचार होता है। जीवाणु में अभाव होता है किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है दोस्तों, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका अभाव जीवाणु में होता है, ठीक है, जीवाणु में नहीं पाया जाता है। ध्यान रखना कि जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है, अब आप जानते हो बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति है ना, कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की है ना, काइटिन अपने शरीर में पाया जाता है, कैरोटीन, ध्यान होना चाहिए, अपने शरीर में नहीं पाया जाता है। जीवाणु का नामकरण किस वर्ष हुआ, तो 1829 को इसका नामकरण हुआ, नॉमिकल्चर 1829 में। ठीक है, सबसे छोटे जीवाणु होते हैं कोकस, जो सबसे छोटे यानी कि 0.1 माइक्रोमिलीमीटर से भी छोटे, कौन से होते हैं, कोकस, ध्यान होना चाहिए। जीवाणु में गमन यानी कि चलना, पोषण भोजन करना एवं प्रजनन यानी कि जनन करना, यानी कि एक जीवाणु से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तो रोग रोम व कशाबिका, जो फ्लैजिला होती है उसके माध्यम से प्रजनन भी करता है, कशाबिका होती है दोस्तों इस तरह की, उसी के माध्यम से जीवाणु क्या करता है, गमन और पोषण और प्रजनन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि गोलाकार आकृति के जीवाणु को कहा जाता है, अब देखो यहाँ क्वेश्चन है कि छोटे ही जीवाणु होते हैं और वो गोलाकार होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कोकस। अब कोकस गोलाकार आकृति के जीवाणु को ही कहते हैं। आगे बढ़ते हैं कि
कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। ठीक है दोस्तों, जो चेचक है उसका जो टीका बनाया था सबसे पहले या आविष्कार किया था तो एडवर्ड जेनर। ध्यान होना चाहिए कि छोटी माता एवं रेबीज रोग का कारण होता है वायरस। दो रोग है, रेबीज और छोटी माता, है ना। छोटी जो मामा माता जी है वो किससे होती है? वायरस से। आगे बढ़ते हैं कि टाइफाइड जीवाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है टाइफाइड? अब आपको ध्यान होना चाहिए कि टाइफाइड बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी जीवाणु जो है उसके द्वारा होता है। ध्यान होना चाहिए साल्मोनेला टाइफ, है ना। कवकों में संचित खाद्य पदार्थ है। अब देखो आप, जो कवक है संचित जो खाद्य पदार्थ पाया जाता है उसमें ग्लाइकोजन पाया जाता है, ग्लाइकोजन। ध्यान होना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं कि एड्स का कारण है, तो एड्स किसके कारण फैलता है? क्या जीवाणु के साथ, क्या विषाणु से? तो इसका विषाणु से फैलता है दोस्तों। ठीक है, इस तरह से चित्र होता है DNA का, है ना। HIV वायरस तो बहुत ख़राब है, यानी कि इसको संज्ञा भी दी गई है ना। वायरस शब्द किससे मिलकर बना होता है? तो जो वायरस शब्द है वायरम, VIRUM, वेरी इंपॉर्टेंट है वायरम, है ना। एड्स विषाणु में होता है। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है कि एड्स जो विषाणु है वायरस है उसमें एक तो RNA होता है दोस्तों, ठीक है, एक प्रोटीन भी होता है, RNA भी होता है, DNA भी। तो इस तरह से संरचना थी, है ना। ह्यूमन वायरस जो होता है तो RNA प्लस प्रोटीन दोनों चीज़ होती है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखने वाली बातें हैं कि कौन सा एक पादप वायरस है? तो टोबेको मोजेक वायरस, जो टोबेको मोजेक वायरस है एक पादप वायरस है तंबाकू में, है ना। एगार एगार पदार्थ किया जाता है तो लाल शैवाल से, एगार एगार, है ना, तो लाल शैवाल से प्राप्त किया जाता है। इबोला है एक प्राणघातक विषाणु, जो इबोला है वो क्या है? एक प्राणघातक विषाणु, यानी कि मार सकता है, मर सकते हैं इससे, है ना। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इनको अवश्य देखें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप ध्यानपूर्वक पढ़ाई करें, अच्छे से पढ़ाई करें दोस्तों। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, है ना। तो जय हिंद जय भारत।